न्यूज प्लस चैनल की सीधी बात में आप सबका स्वागत है। मैं हूं जीतू भाई पंड्या। आज इतवार है, इतवार को हम छोटी सी कोई कहानी कहते हैं और एक अच्छी सी कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं। एक छोटा सा गांव था, कस्बा था, 20-25 हजार की बस्ती होगी, बहुत रईस लोग वहां रहते थे। एक दिन वो गांव में लोगों ने सोचा कि बहुत समय हो गया है, हम कोई अच्छे कथाकार को बुला के कथा कराए। भागवत कथा का आयोजन किया गया, बहुत धामधूम से भागवत कथा का प्रारंभ भी हुआ। अब ये जो गांव था, नदी किनारे गांव था, नदी किनारे ही महाराज वहां पे कथा का आयोजन किया गया था। नदी के सामने की ओर एक भरवाड़ों का, एक गोपालकों का छोटा सा गांव था। एक ही कुटुंब के बहुत सारे बच्चे वो गांव में रहते थे, गौ सेवा करते थे, गाय का दूध ये गांव में लाके लोगों को बेचते थे। हर रोज सुबह होते ही गांव से दूध इकट्ठा किया जाता था और 15 जितने जो गोपालक थे वो नाव में बैठकर ये सामने आ जाते थे, ये बड़े गांव में आके सबको दूध दिया करते थे। अब जब ये कथा का प्रारंभ हुआ तब वही 15 गौपालक नौका में बैठ के ये गांव पर आ गए, अपना दूध उतार रहे थे। तो स्पीकर भी लगे हुए थे, माइक भी लगे हुए थे, बड़े जोर से आवाज आ रही थी। महाराज बहुत उम्दा महाराज थे, बहुत अच्छी कथा सुना रहे थे, कथा का प्रारंभ भी हुआ था तो उन्होंने कोई बात छेड़ी थी कथा में। वो कह रहे थे कि श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है। जब राम ने लंका पार समुद्र पार करने के लिए पुल बनाना चाहा, तब समुद्र ने ही राम को, भगवान राम को बताया कि नल और नील नाम के जो आपके दो बानर हैं वो पत्थर पे राम राम लिखेंगे तो वो पत्थर भी तैरने लगेंगे। तो महाराज ने कहा, बड़े भाव भीनेश्वर से कहा कि नल नील राम राम लिखते गए बड़े बड़ी शिलाओं पे और बानर रीछ वो शिलाएं उठा उठा के समुद्र में डाल रहे और वो पत्थर तैरने लगे, शिलाएं तैरने लगी। महाराज ने कहा कि अगर भगवान राम का नाम लिखने से शिलाएं तैर सकती है तो हम अपने जीवन में अगर राम नाम का उपयोग करते हैं, हम अगर राम नाम का सहारा लेते हैं तो हम भवसागर भी पार कर सकते हैं, हम भवसागर तर जाएंगे अगर राम नाम का सहारा लिया। अब ये भरवाड़ थे, उनके पास तो इतना सारा दूध था, गांव में उसे बांटना था, पूरा दिन उनको गांव में निकल गया। अब वापस आए और सब राह देख रहे थे कि नौका आए और हम सामने चले जाए। तब एक भरवाड़ ने कहा, थोड़ा वृद्ध भरवाड़ था, उन्होंने कहा, आपने सुबह में वो बात सुनी थी कि राम नाम बोलने से लिखने से भवसागर पार कर सकते हैं, अब ये तो छोटी सी नदियां है तो चलो हम एक दूसरे का हाथ पकड़े और भगवान का नाम लेते लेते सामने चले जाए। किसी ने कोई संशय नहीं कहा, 15 भरवाड़ थे, कोई पढ़े लिखे नहीं थे, अब बिल्कुल सीधे साधे आदमी थे, किसी ने संशय नहीं कहा, क्योंकि सुबह में एक ब्राह्मीण, एक कथाकार, एक भगवान का भक्त कह रहा था कि राम नाम लेने से भवसागर पार हो जाता है। तो सबने एक दूसरे के हाथ पकड़े, जो दूध के बर्तन थे वो सर पे रखे और हाथ पकड़े और कहा कि चलो, और सब राम 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 करके सामने चले गए। और वहां जाके इतना हंसे एक दूसरे को भेंटने लगे, एक दूसरे को बधाइयां देने लगे, क्योंकि रोजाना 2 बार उन्हें चौवनी चौवनी देनी पड़ती थी आने जाने के लिए। 10-15 लोग आते थे, 15 तो बहुत सारा खर्चा होता था। बोले कि राम नाम तो देने से हम धन्य हो गए, अब हमें आने जाने के लिए पैसा नहीं देने पड़ेंगे। वो इतने हंसी खुशी से घर पहुंचे, अपनी पत्नियों को, अपने बच्चों को बताया कि सही बात है, आज एक ब्राह्मण कह रहा था कि राम नाम लेने से भवसागर तर जाते, सागर तर जाते, तो हम तो नदी तर गए।
तो उनकी पत्नियों ने, बच्चों ने कहा कि चलो अगर आप चल के आ रहे हैं नदी पे तो हम भी थोड़ा घूम के आ जाए। वो पत्नियां बच्चे भी नदी पे चलते चलते कहीं दूर घूम के वापस आ गए। बड़ा आनंद का माहौल बना कि चलो ये पैसे देने का मामला खत्म हो गया, घोड़ी का खर्चा अपना भी निकल गया। सुबह में वो सब पूरा दूध भर के फिर निकले और आज सबने एक संकल्प किया था और संकल्प ये किया था कि इतने सारे पैसे अब बचने वाले हैं तो आज ये जो दूध है वो हम बेचेंगे नहीं, वो जो महाराज है जो ये कथा कर रहे हैं उनका हम दूध से अभिषेक कर देंगे। तो वहां जब गए, वो कथा चल रही थी, उन्होंने सब अपने अपने बर्तन महाराज के ऊपर उड़ेल दिए, महाराज को दूध में नहला दिए। महाराज भी देख रहे कि ये लोग क्या कर रहे हैं। वो आयोजक दौड़े दौड़े आए, अरे भाई क्या कर रहे हो? बोले महाराज का अभिषेक किया, सबने साष्टांग दंडवत प्रणाम कर दिए। महाराज भी प्रेम देखते रहे, कहता है ठीक है मैं कपड़े बदल के आता हूँ, फिर से कथा शुरू करूंगा। फिर वो लोग तो बैठे ही रहे महाराज के सामने, क्या तो कुछ काम करना नहीं है, दूध तो हमने यही उड़ेल दिया है, आप पे ही उड़ेल दिया है, हम कथा सुनेंगे। पूरे दिन कथा सुनी, शाम को सब ने महाराज के पैर पकड़ लिए कि महाराज आप हमारे गांव चलो, आज की रात हमारे गांव रहोगे, कल सुबह में हम आपको वापस ले आएंगे, बहुत जल्दी ले आएंगे। महाराज ने कहा ठीक है भाई हम तो चले। कथा पूरी समाप्ति हो गई है, महाराज भी ये सबके साथ चले, थोड़े आयोजक भी उनके साथ आए नदी किनारे। अब वहां वो होड़ी की तलाश कर रहे हैं कि होड़ी आए और चले, और ये जो गौपालक थे उन्होंने कहा महाराज कैसी होड़ी, कैसी बात? बोले सामने जाना है भाई, बीच में इतनी बड़ी नदी बह रही है। अरे बोले सागर तर जा तेर जाते हैं राम, राम का नाम लेने से, आपने कहा था कल हम चलते चले गए नदी पे, चल के चले गए, आज भी हम होड़ी में नहीं आए, हम चल के आए। अब आयोजक भी देख रहे हैं, गांव वाले भी, और वो महाराज भी देख रहा है। उन्होंने कहा चलो एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, वो 15 लोगों ने तो हाथ पकड़ लिया। बोले महाराज आप हमारा हाथ पकड़ लो और चले। महाराज बोले मेरे से नहीं होगा। बोले होगा साहब, होगा, आप विश्वास रखो, हमने कल किया है, आज भी किया है। महाराज बोले नहीं 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 नहीं, ये तो कैसे हो सकता है, होड़ी के बिना नहीं जा सकते। उन्होंने कहा देखो महाराज चलते है करके महाराज को साथ में पकड़ लिया। अब वो 15 भरवार चल रहे पानी पे, कोई तकलीफ नहीं है, और वो महाराज अंदर डूबे जा रहे। आखिर एक भरवार ने कहा महाराज को खबे पे बिठा दिया और वहां चले गए सामने। वहां जाके वो महाराज वो भरवाड़ों का पांव धोने लगे, भरवाड़ों के पैर पड़ने लगे। बोले भाई आप बड़े श्रद्धावान हो, आप ही परम भक्त हो भगवान के, मैं नहीं हूं, मैं तो सिर्फ कहता हूं, मैं शास्त्रों की बात करता हूं, मैं वेद की बात करता हूं, मगर सिर्फ बात करता हूं। मुझे शास्त्रों के वचन पर श्रद्धा नहीं थी, मुझे राम के वचन पर श्रद्धा नहीं थी, मुझे समुद्र के वचन पर श्रद्धा नहीं थी, मैं तो सिर्फ कथा करता हूं, श्रद्धा तो आप लोगों ने रखी। तो बात ये है, कहने वाला कौन है, क्या होगा, आप बात यह नहीं कि आपके गुरु कितने सक्षम है, बात यह नहीं कि आप किसकी सुनते हो, बात यह है कि आप में कितनी श्रद्धा है। कोई पूछता है कि पानी में भूख मारने से कोई रोग अच्छा हो जाता है। मैं मानता हूं कि जो भूख मार के पानी देता है उसमें कोई ताकत नहीं, कोई ऐसी शक्ति नहीं हो सकती कि कोई अच्छा हो जाए। हाँ मगर यह हो सकता है कि जो पानी लेके गुरुजी के पास या किसी आदमी के पास कोई गया है, बड़ी श्रद्धा से गया है कि आप इसमें फूंक मारोगे और मैं अच्छा हो जाऊंगा, तो वो जरूर अच्छा हो जाएगा। सवाल श्रद्धा का है, हमारी श्रद्धा का है। हमें चाहे कितना भी बड़ा गुरु मिल जाए, हम कुछ नहीं कर सकते। कितना भी बड़ा गुरु हो, उनके साथ आप रहोगे पूरी जिंदगी रहोगे, आपका कुछ परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि आप वो गुरु में भी नुक्स निकालते रहोगे, सोचते रहोगे कि ये कैसे गुरु है, ये कैसे गुरु है जो मछली खाते हैं,
ये गुरु कैसे है जो चलम पीते हैं, ये कैसे गुरु है जो बड़े स्वाद से खाना खाते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी खाने के बहुत शौकीन थे। कई बार तो उनकी पत्नी कहा करती थी कि आप इतने परमहंस कहलाते हो और खाना इतनी चाव से खाते हो, बनवाते हो कि यही खाऊंगा। बात अलग है उनकी चाव की। एक दिन रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा पत्नी से कि ये मत सोच के मुझे ये भोजन में इतना चाव है, मुझे रखना पड़ता है, बाकी की दुनिया से मेरी जो चाव है, मेरी जो चाहत है वो पूरी हो चुकी है। अभी मैं ये भोजन में चाहत नहीं रखता तो मैं चल पड़ूंगा। ये मेरी पकड़ है, ये एक मैंने धागा पकड़ के रखा है दुनिया में रहने के लिए। पर हम नहीं समझते, हम बड़ी बातों को नहीं समझ पाते। हम समझते हैं कि रामकृष्ण परमहंस जैसे व्यक्ति भी खाने में बहुत चाव रखते, वो कैसे महान हो सकते। तो सवाल ये नहीं है कि आप किसे गुरु बनाते हैं, सवाल ये होता है कि आप में कितनी श्रद्धा है। अगर आप में श्रद्धा है तो आप किसी भी सामान्य गुरु से, जो गुरु ने भगवान नहीं प्राप्त की है, मगर वो गुरु में भी आपकी श्रद्धा अचल होगी, सही होगी। तो जो गुरु ने भगवान की प्राप्ति नहीं की है, वो गुरु के माध्यम से भी आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। मगर हम श्रद्धा नहीं रखते। सामान्य जिंदगी में भी हम क्या देखते हैं, अगर हम कहे किसी को कि ये भाई जो है, कोई भी भाई का नाम ले लो, ए बी सी डी, ये भाई बड़े चोर है, निकम्मे है, चीटर है, किसी को भी आप कहोगे वो कहेगा मैं तो जानता ही हूं कि जीतू भाई ऐसे ही है, मैं तो उनको इतने साल से जानता हूं, 85 में ये हुआ था, 88 में ये हुआ था, 90 में ये हुआ था। उनके पास पूरा रिकॉर्ड रहेगा कि जीतू भाई ने कितनी चीटिंग की है। अगर आप बताओ कि भाई ये भाई है, रमेश भाई है, बड़े गुणवान है, बड़े विद्वान है, बोले काहे के विद्वान। अगर कोई चीटर है ऐसा कहोगे, कोई गलत है कहोगे, कोई कैरेक्टरलेस है कहोगे, कोई आपसे नहीं कहता कि इसका प्रूफ लाओ, आपने कहां देखा उसको ऐसा, कहेंगे ठीक आप ठीक ही कह रहे। मगर आप कहो कि ये आदमी गुणवान है, नीतिवान है, अच्छा है, बहादुर है, तो बोले काय का बहादुर, मुझे बताए वो कितना बहादुर है। तो हमें अच्छे बात पे कभी विश्वास नहीं होता, हम श्रद्धा नहीं रख सकते। किसी की भी अच्छी बात पर हमें श्रद्धा नहीं है, हर आदमी बुरा है वो बात पर हमें पूरा यकीन होता है। ये थोड़ा अपने जीवन में बदलाव कर दे, सभी के अच्छे गुण देखने लगे, हर बात पे श्रद्धा रखने लगे। और मान लो, कई लोग कहते कि आप थोड़े होशियार रहो, आपके साथ चीटिंग हो जाएगा, आप चीट हो जाओगे। मैं कहता हूं कि दूसरे किसी को हम चीट करें उससे अच्छा, बहुत अच्छा है कभी कोई हमें चीट कर जाए, कोई बहुत बुरा नहीं होगा आपका, आप संभल जाओगे जिंदगी में। मगर श्रद्धा रखो। ये आज तो ये बात आ गई है कि लोगों को अपने बच्चों पर, अपने बीबियों पर, किसी को किसी पे यकीन नहीं है, श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं। तो थोड़ा जीवन में विश्वास पैदा करो, श्रद्धा रखो। चाहे गुरु हो, चाहे साथीदार हो, चाहे भागीदार हो, चाहे घर वाले हो, उन पर थोड़ी श्रद्धा रखो, देखो कि जिंदगी बदल जाती है। सीधी बात में आज सिर्फ इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे।